सभी बिटसेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। यहाँ पे जो आपकी बिटसेट 2024 की एग्जाम डेट्स है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मतलब कि जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स थी उनको थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है। तो अगर हम जो है पिछले अभी आपका जो ब्रोशर यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट हुआ था उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो पिछली डेट्स थी वो क्या थी, 21 से लेकर 26 मई तक, ठीक है। तो ये जो है आपकी डेट्स थी यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सेशन 1 की, और टेस्ट सेशन 2 की अगर हम बात करें मतलब कि जो सेकंड अटेम्प्ट रहता है वो है आपका 22 से लेकर 26 जून। लेकिन अभी अगर जो है आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट bitsadmission.com पे विजिट करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सेशन 1 है वो चेंज होके हो गया है May 19 से लेकर 24, जबकि आपका सेशन 2 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें जो है कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। और कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे पिछले भी अगर हम कोई अपडेट लाते हैं तो उनको लगता है कि भैया ये चीज हमें नहीं दिख रही है वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एक भाई सीधा सीधा आपको QR कोड दे दिया है, इसको स्कैन करके भी आप खुद जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो पेज खुलेगा उसको नीचे तक स्क्रॉल करना, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये मेन रीजन क्या है यहाँ पे, क्यों आखिर जो है ये डेट्स को यहाँ पे शिफ्ट करा गया, तो बहुत ही सिंपल सा रीजन था कि भाई आपका जो है यहाँ पे बिटसेट का स्लॉट कहीं ना कहीं जेई एडवांस के साथ क्लैश हो रहा था। जेई एडवांस की जो आपकी एग्जाम है वो 26 मई 2024 को पड़ेगी, और पिछली जो आपकी डेट्स ली गई थी वो 25 से लेकर 26 तक ली गई थी। तो भाई दिक्कत हो जाती है ना, कोई स्टूडेंट अगर जो है जेई एडवांस और बिटसेट दोनों देना चाहता है तो वो तो यहाँ पे फंस जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे जेई एडवांस को हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो ऐसे केस में बिटसेट ने काफी समझदारी भरा डिसीजन लिया और थोड़ा सा एग्जाम डेट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास कई सारे मौके हैं, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, जेई एडवांस है, बिटसेट है, और आप सबके लिए जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस भी ला चुके हैं कि बिटसेट में आपको अलग से क्या चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप टाइमली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, LR एंड इंग्लिश सेक्शन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर लो, जो डिलीटेड सेक्शंस आपके जो कि जेई मेन से हट गए उनको बिटसेट के लिए अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। तो इन सब चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप अपने बिटसेट के प्रिपरेशन को और ज्यादा जो है बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे भी आपको जो है कोर्सेस एंड पैकेजेस अवेलेबल है जो कि आप जरूर से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्रैश कोर्स जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था, LR एंड इंग्लिश का स्पेशल बैच जो है वो आपके लिए अलग से लॉन्च किया गया, और मॉक टेस्ट भी जो है आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फिर भी कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि अपडेट जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।